एक तरफ तो जीत और हार का मंथन भी अभी जारी है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा अभी तक अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं कर पाई है। और दूसरी तरफ ये देखा जाए तो जो जीत और हार का जो मंथन है उस पर भी लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं चलती हुई आ रही है। नमस्कार सर, आपका बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत है। संदीप काजला जी, जो आप जिला मंत्री चूरू से हैं, सर सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि क्या कुछ चीजें ऐसी तारानगर विधानसभा क्षेत्र में रही, क्या वहां के समीकरण रहे, और चूरू से तारानगर आने का जो सफर रहा वो क्यों रहा? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को और चैनल देखने वाले सभी आपके फॉलोवर्स को मेरी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और लोकतंत्र का ये पर्व खत्म हो चुका है और अभी एक या दो दिन में सरकार बनने वाली है। नतीजे परिणाम सब आ गए हैं, कहीं हार हुई है कहीं जीत हुई है। पर जो आपने मेरे से अभी पूछा, तारानगर का जो क्वेश्चन पूछा आपने, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ 6 बार से चूरू से और 1 बार तारानगर विधानसभा से जीते हैं। वो 7 बार के अपराजित अजय विधायक रहे हैं। उनका उनकी रेपो, उनकी पर्सनालिटी, उनकी परफॉर्मेंस पूरा राजस्थान जानता है। तारानगर में क्या हुआ, वो उनको हराने के लिए न केवल कांग्रेस ने ही जोर लगाया, बल्कि बहुत सारे लोग जो पर्दे के पीछे थे, जिन्होंने उनको हराने का काम किया। निवर्तमान मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे, वो तो निश्चित रूप से चाहेंगे राजेंद्र राठौड़ जैसा कद्दावर नेता विधानसभा में नहीं पहुंचे, लेकिन और भी बहुत सारे पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कई पदाधिकारी, वर्तमान सांसद, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से आघात किया जिससे ये परिणाम आया। निश्चित रूप से चूरू जिला नहीं, पूरे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस हार से बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। लेकिन निश्चित मानना कि राजेंद्र राठौड़ एक वो शख्सियत है, वो हमेशा गिरकर उठना जानते हैं और फिर से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सर, चलना जैसा जानते हैं। कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी, जैसा कि उनके हारने के बावजूद भी एक लाइन है वो यहाँ पर फिट बैठती हुई नजर आ रही है कि तुम्हारी हार से ज्यादा, तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। तो ये जो लाइन है ये राजेंद्र राठौड़ पे इन दिनों में पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर आ रही है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र चुनाव से पहले भी लगातार चर्चाओं में था और चुनाव होने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी, अभी भी राजेंद्र राठौड़ और तारानगर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से चर्चाओं में है। क्या कुछ इसके मुख्य कारण है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, राजेंद्र राठौड़ जो है वो किसी एक कौम के, एक धर्म के, एक जाति के नेता नहीं है। वो राजस्थान की जान है और वो चुनाव हारे हैं राजस्थान की जनता के दिलों से नहीं हारे हैं। इसलिए आज हर वर्ग जो है चाहता है कि राजेंद्र राठौड़ जैसा शख्सियत जीतनी चाहिए थी। और एक जो सच्चा जनसेवक है राजस्थान का, जिसका नाम ही राजेंद्र सिंह है, निश्चित रूप से बाकी सब चीज़ें जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप लोगों के सबके सामने आती जाएंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी नई सरकार बनेगी, उस नई सरकार में भी राजेंद्र सिंह राठौड़ ही जान फूंकने का काम करेंगे और पग पग पर, कदम कदम पे राजेंद्र सिंह राठौड़ की पहचान होगी, ये मेरा निश्चित मानना। सर, एक सवाल ये खड़ा हो जाता है, एक लाइन यहाँ पर मैं बोलूंगी कि अपनों से अपनों का खंजर मिला। क्या वाकई में ये लाइन वहां पर फिट बैठती हुई नजर आ रही है? क्या वाकई में उनके साथ कोई ऐसा भीतर घात हुआ है? देखिए, ये निश्चित मानिए कि बहुत सारे वीडियो वायरल हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को हराने के लिए एक नहीं, छः छः सात सात बड़े बड़े नेता थे, जिसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस के तो होंगे ही होंगे, हराना चाहेगी कांग्रेस तो उनको, लेकिन बीजेपी के भी बहुत सारे मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, जो मोदी जी कहते हैं कुछ ऐसे शहजादे जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, उन्होंने भी वो काम किया है। लेकिन मुझे और हमें सबको इस बात का दर्द है कि अगर वो लड़ाई सामने आके लड़ते तो अच्छा रहता, पीठ पीछे खंजर घोपना, पीठ पीछे वार करना, वो बुजदिली है और वो कायरों की निशानी है। इससे राजेंद्र सिंह जी जरूर एक बार ठोकर खाए हैं, लेकिन ये मत समझना कि वो उठ नहीं पाएंगे, वो बहुत जल्दी उठेंगे और हम सबके बीच में एक चैंपियन की तरह, एक जनसेवक की तरह लोगों के सामने होंगे और लोगों की सेवा वो अनवरत रूप से जारी करते रहेंगे। तो क्या जो चीज राजेंद्र राठौड़ के साथ हुई, क्या वही सतीश पूनिया के साथ भी हुआ?
देखिए दोनों ही कद्दावर नेता हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चूरू से आता हूँ। दोनों ही नेता चूरू से आते हैं। चूरू में सादुलपुर में बेवड़ एक कस्बा है जहाँ से सतीश पूनिया जी आते हैं, और जो जयपुर ग्रामीण के आमेर की जनता ने जो फैसला किया है निश्चित रूप से दुखदाई है। इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। सतीश जी जैसा चेहरा जीतता भी और वहाँ की जनता का और भला होता, ये निश्चित मानना। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि क्षेत्र की भोली भाली जनता कई सारे चेहरों के बीच में फंस के कोई एक छोटा सा फैसला कर देती है, लेकिन उस फैसले जो फैसला वो करती है उसका परिणाम बहुत बड़ा आता है, और उसका जो आने वाला समय जो है उसके लिए काफी सही नहीं माना जाता है। लेकिन जो हुआ वो मेरा मानना है कि जनता जनार्दन का फैसला था। जब से सतीश पूनिया हो या फिर राजेंद्र राठौर, जब से इनकी राजनीतिक करियर की इनकी शुरुआत हुई है, उसके बाद दोनों को पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा। तो ये हार इनके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली है, या क्या कुछ इनके चीजें यहाँ पर निकलने वाली है? क्या राजनीति से ये थोड़ा थोड़ा दूर होते हुए नजर आ रहे हैं इसके बाद, या क्या कुछ और समीकरण निकलेंगे? नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और पार्टी का अलग कमान भी इस बात को कह चुका है कि पार्टी की मुख्य धारा में दोनों ही नेताओं को लाया जाएगा। और ये वो शख्स हैं जो हार के उठना जानते हैं, निश्चित रूप से ये उठेंगे और जनता के बीच में वही सेवक बन के अपना काम करेंगे, और कोई ना कोई नया रास्ता निकलेगा जो हम सब के लिए बहुत ही आनंदमय होगा और अच्छा होगा हम सब के लिए। सर, सबसे कॉमन और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हाल फिलहाल राजनीति में यही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इस सवाल पर आपका क्या जवाब है? सब लोग जानना चाहते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिले लेवल का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ राजस्थान का कोई भी मुख्यमंत्री बने, उस मुख्यमंत्री के रग रग में और पल पल में और उसके हर कर्म में राजेंद्र राठौड़ की पहचान होगी। बिना राजेंद्र राठौड़ के मुझे नहीं लगता कि ये इस समय जो राजस्थान के सामने बहुत सारे संकट हैं वो कोई अगर उसका समाधान कर सकता है तो वो एक ही नेता है, उसका नाम राजेंद्र राठौड़ है। हर मुख्यमंत्री कोई भी मुख्यमंत्री बने उसमें राजेंद्र राठौड़ की निश्चित रूप से पहचान होगी। अच्छा, आपके ये भी एक बड़ी अहम बात हो जाती है कि अगर मुख्यमंत्री कोई भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ की वहां पर अहम भूमिका होने वाली है उनके हारने के बावजूद, इसके क्या कुछ सियासी मायने निकलने वाले हैं? क्या वहां पर उनको जो भीतरघात की जो चीजें हैं, क्या वहां पर उनको वो चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी? देखिए ये बहुत ही एक अनसुलझा हुआ सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र सिंह राठौड़ के बिना और राजेंद्र सिंह राठौड़ की राजनीति के बिना चूरू जिला नहीं, शेखावटी नहीं, पूरा राजस्थान अपने आप को बड़ा अधूरा सा मानता है। जहाँ कहीं भी राजस्थान के सामने संकट आता है, और खासकर जब भारतीय जनता पार्टी राज में होती है, और जब भी कोई बड़ा संकट आता है चाहे कोई भी आंदोलन हुआ हो, उस आंदोलन को सुलझाने में राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसी शख्सियत ही आगे आती है और सरकार को आगे लेके जाती है। ये मेरे शब्द आप कोर्ट पे रखना कि मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, कोई भी सरकार बने, दो या तीन अगले 2 या 3 दिन में सरकार बनेगी, उस सरकार में राजेंद्र सिंह राठौड़ की निश्चित रूप से पूरी पूरी पहचान होगी, पूरा पूरा उसमें हाथ होगा। तो बात करें बाबा बालकनाथ हो या फिर वसुंधरा राजे हो या फिर दिया कुमारी हो, तो सीएम के तौर पर किसे देख देख पाएंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो अभी जो पिछड़ी हुई जाति के जो हैं उनको अभी बनाया है। अब राजस्थान के अंदर क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा होंगे या फिर दिया कुमारी होगी या फिर वसुंधरा राजे होगी या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर कोई नया चेहरा या महिला चेहरा, क्या लगता है कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए ये तो सबके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल है और मैं इसके लिए उपयुक्त भी हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी नाम आपने दिए हैं हो सकता है कि उनसे डिफरेंट कोई एक ऐसा नाम हो जो राजस्थान की जनता के दिलों में राज करता हो और वो आए और राजस्थान की सेवा लंबे समय तक करे। हो सकता है कि चलो, नाम आज इस बदल मंच जाए। से आप जो नाम, जिस नाम का आप विचार कर रहे हैं, वो नाम इस मंच पर आप रख ही दीजिए कि किस नाम के बारे में आप सोच रहे हैं, कौन देखिए सा नाम मैं ऐसा अगर लगता इस है। वक्त वो नाम कहूँगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही मायने में होगा, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ रूट लेवल से जुड़ा हुआ ही नेता हमारे बीच में होगा, और निश्चित सब लोग ये कहेंगे कि यही एक मुख्यमंत्री था जो राजस्थान को मिलना चाहिए था। ठीक है, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अब विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और जल्द ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अब क्या कुछ लोकसभा चुनाव की तैयारियां रहने वाली है? कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है यहाँ पर राजस्थान में? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 साल किसी
किसी न किसी चुनाव की तैयारियों में हमेशा रहता है और किसी की सामाजिक सरोकार में भी रहता है। जब भी देश, चाहे कोरोना की बात हो चाहे और कोई देश पे आपदा आए, हमेशा वो सेवा के रूप में काम करता है। आने वाले आगामी जो लोकसभा चुनाव है, निश्चित मानना पूरे देश के अंदर मोदी जी का जो चेहरा है वो रहने वाला, और देश में क्या पूरे विश्व में आज मोदी जी जो है सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और उस चुनाव में परिणाम जो 2014 में जो जितनी सीटें जीती थी उससे ज़्यादा 2019 में जीती और उससे ज़्यादा 2024 में जीतेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ कि लोकसभा की संख्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की बढ़ेगी। एक सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि अब क्या कुछ लगता है कि अब भाजपा ने राजस्थान में सरकार अपनी बनाई है, जो राजस्थान का रिवाज है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, वो रिवाज इस बार भी बना रहा। क्या लगता है कि इस बार भाजपा क्या स्ट्रेटजीज अपनाने वाली है कि आगे ये रिवाज बदले और ये रिवाज टूटे और फिर से राजस्थान के अंदर भाजपा रिपीट कर पाए अपनी सरकार? देखिए प्रीति जी, ये बहुत दूर का सवाल है और आज हम इस सवाल का अगर जवाब दें तो निश्चित मानिए उस जवाब की अहमियत नहीं होगी। लेकिन आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, ये बदलाव का वक्त है। प्रदेश भी बदल रहा है, बदलाव की अंगड़ाई में है और देश भी बदल रहा है। आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी को के लिए बहुत ही स्वीकार्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के राज में, या कांग्रेस के सांसद हो या कांग्रेस का कोई भी पूर्व मंत्री हो, जहां इतने लाखों लाखों की नकदी आप देख रहे हैं कि आज 7 दिन हो गए पैसा गिना नहीं जा रहा है, मशीनें जो हैं वो गर्म होके जवाब दे रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जिस ईमानदारी से देश और प्रदेश में काम कर रही है उसे कोई रोक पाएगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि सबको दिखाई दे रहा है मशीनें गर्म हो रही है, तो इस पर क्या कुछ लगता है कि राजस्थान के अंदर इस बार कांग्रेस ने बहुत दावे किए और बोला बहुत योजनाएं निकाली है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई, तो क्या कुछ लगता है कि कांग्रेस की जो हार यहाँ पर राजस्थान में जिस तरीके से हुई है, क्या उनकी कमियां कहाँ आपको नजर आती है? देखिए राजस्थान में एक कहावत है कि कचौड़े के अंदर कभी ऊंट नहीं बैठ सकता, तो कांग्रेस की सारी योजनाएं ऐसी थी कि उन्हें पूरा करना ही नहीं था, केवल योजना ही निकाल के उन्हें एक बार लोगों के सामने लाना था। उन्हें पता था कि राज हमारा आना नहीं है, योजनाओं को पूरा करना नहीं है, न होने वाली थी। इसलिए क्या है कि ये चुनाव के समय कांग्रेस की रीति नीति रही है कि जब भी चुनाव आते हैं, जिस प्रदेश में आते हैं, चाहे वो देश में आए चाहे प्रदेश में आए, इस तरीके की बातें, इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके के पाखंड कांग्रेस समय समय पर लेके आती है। ये उसका चाल और चरित्र रहा है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया कांग्रेस की योजनाओं के बारे में आपने बताया, तो एक जिक्र मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे मालपुरा विधानसभा सीट है, कांग्रेस ने मालपुरा को पहली बार जिला बनाया और वहां से जो प्रत्याशी निकल कर आए वो भाजपा के निकल के आए और भारी मतों से उन्होंने वहां पे जीत दर्ज की और बहुत अच्छा उनका वहां पर प्रदर्शन रहा, तो ये तो जनता ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस की वहां पर क्या स्थिति थी। नहीं, ये आपका ठीक है, जिले बनने चाहिए आबादी के हिसाब से, लेकिन उस समय और जिले के लिए जो फंड होता है, एक जिले बनाने के लिए उसके लिए कितना सारा पैसा खर्च होता है, उसका भी इंतजाम होना चाहिए। निश्चित मानिए कि जब छोटा जिला होता है तो उससे वहाँ की जो जनता होती है, आवाम होती है, उसको थोड़ा हेल्प मिलता है, सुकून मिलता है, पर आप एक साथ इतना सब कुछ कर रहे हैं तो वो जनता भी नहीं पचा पाएगी। जनता भी इस बात को जानती है कि इनको सिस्टम में आते आते कम से कम अगले 15-10 साल लग जाएंगे, तब जाके कोई ये जिले का एक वास्तविक स्वरूप ले पाएंगे। केवल कागजों पे आपने ला दिया, मुझे नहीं लगता कि उससे सब कुछ आसान हो जाएगा या जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता के जो कार्य हैं, वो पूर्ण हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये और खड़ा हो जाता है कि क्या राजस्थान के अंदर जो जाट नेता है, भाजपा के अंदर खास तौर पर जो जाट नेताओं की जो छवि है, जो बड़े जाट दिग्गज नेता थे, वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए ये कहना सही नहीं क्योंकि होगा। सतीश पूनिया हार भारतीय चुके हैं नहीं, और बड़े बड़े जो जितने भी दिग्गज जाट नेता थे वो कहीं ना कहीं भाजपा से दूर होते नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सतीश पूनिया जी एक समाज का बहुत बड़ा चेहरा है, और ये जो हार हुई है ये आमेर की हार हुई है, न कि केवल उस समाज की हार हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे मेरे चूरू से हरलाल जी सारण लो, एक किसान के घर में पैदा होके आज राजस्थान के विधानसभा में हैं, और भी मैं आपको कितने नाम गिनाऊं जो जिन्होंने क्या है कि आज राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों के पहुंचे हैं, और आने वाले समय में बदलाव लेगा और निश्चित रूप से समाज के में जो अच्छा करने वाले हैं, चाहे किसी भी समाज में हो, वो उससे समाज हमेशा आगे बढ़ाता है, जनता उसको आगे बढ़ाती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ आने के लिए और इन सब बातों पर राय रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पुनः मैं आपके पूरे चैनल को, देखने वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। नौजवानों से अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप बढ़ के इस राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से देश में और प्रदेश में हम सबको मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। और ऐसे ही और एनालिटिकल पॉडकास्ट देखने के लिए राजस्थान संवाद के चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।